आज हमें आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन मैं शुरू में ही ये साफ कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की नज़र में मैनिफेस्टो बनाने की जो एक्सरसाइज है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। अभी तक जितने सुझाव आए उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। हम जनता से बातचीत करके मैनिफेस्टो में चीज़ें इंक्लूड करते रहते हैं। आने वाले समय में भी और नई समस्याएं हमारी नज़र में आएंगी या कोई अच्छे सुझाव आएंगे तो उनको भी हम समय समय पे इंक्लूड करके और आप लोगों को बताते रहेंगे। दोस्तों, आपको सबको पता है आम आदमी पार्टी का गठन क्यों हुआ था। आम आदमी पार्टी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ अभी तक का, उसमें से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। जन लोकपाल बिल के लिए हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, देश एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके हुआ था। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा करना आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की शायद और कोई भी पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कर सके, क्योंकि दूसरी पार्टियाँ अभी तक जब जब सत्ता में आईं उन्होंने जो जो समझौते किए, उन समझौतों की वजह से उन पार्टियों में आज ऐसे इंटरनल कंट्राडिक्शंस पैदा हो चुके हैं। उनकी लीडरशिप आज कई ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलवा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी येडियुरप्पा को, निशंक को, श्री रामलू को, ऐसे ऐसे बाबूलाल बुखारिया को, पुरुषोत्तम सोलंकी को, ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे के, ऐसे ऐसे लोगों को MLA और MP रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को, कपिल सिब्बल, चिदंबरम, नवीन जिंदल, शरद पवार, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। आज आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सतत प्रयास कर रही है। और दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में 49 दिन की सरकार थी और हम लोग नहीं कह रहे, ये कुछ अखबार वालों ने सर्वे करवाए। और आज मैं दिल्ली में चारों तरफ घूम रहा हूँ, जनता मुझे बता रही है कि 49 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे दिल्ली के अंदर उन दिनों में, नगर निगम के लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, दलालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कई डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए थे। 65 साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिला पाई। जहाँ जहाँ BJP की सरकार रही, आज नरेंद्र मोदी जी को गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 5,000 रुपये लगते हैं गुजरात में, आपको अगर तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपये लगते हैं, हर चीज़ के रेट फिक्स हैं। तो जो BJP गुजरात में 12 साल में नहीं कर पाई और कांग्रेस देश के अंदर 65 साल में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो 49 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। आम आदमी पार्टी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इस मैनिफेस्टो में हमने मोटे मोटे तौर पर 4 चीज़ें सजेस्ट की हैं। जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक उसके दायरे में आने चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो देर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उसको। उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त जेल होनी चाहिए। सिटीजन्स चार्टर होना चाहिए कि हर काम के लिए समय सीमा निश्चित हो, उतने समय में अगर वो काम नहीं करता अधिकारी तो उसकी तनख्वाह काटी जाए जो कि नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जाए। दूसरी चीज़, हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप लोगों को पता है पहले रेल रिजर्वेशन में कितना भ्रष्टाचार होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से वो कम हुआ। उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करके पारदर्शिता ला सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल सकते हैं, ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भारी इस्तेमाल करने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हमारे देश में जानबूझ के ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ताकि बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को
एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनसे पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, महीना वसूली की जा सके, ऐसे सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए अच्छी नीयत की ज़रूरत है, जो आज तक बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकार में अच्छी नीयत मिसिंग थी। अच्छी नीयत की सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, तो प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और चौथा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता को डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिसे हम लोग स्वराज कहते हैं। मैं अब 2 मिनट स्वराज के बारे में बोलूँगा। हम चाहते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक सत्ता का जितना हो सके, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके उतना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कम से कम उस इलाके के बारे में, उस कॉलोनी के बारे में, उस गांव के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में लगभग सभी निर्णय लेने का अधिकार वहाँ की जनता को होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं, हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया जा चुका है, हमारे संविधान में लिखा है। ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता, ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं। पंचायत का मतलब तो सरपंच होता है। जैसे एमएलए और एमपी भ्रष्ट हो गए हैं, एमएलए और एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे सरपंच भी भ्रष्ट हो गए हैं। हमारा कहना है ग्राम सभा मतलब उस गाँव में रहने वाले सभी वोटर्स की आम सभा, उसको ग्राम सभा कहते हैं। अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी को, वार्ड्स को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा जाएगा, और एक मोहल्ले में लगभग 1000 के करीब परिवार होंगे, और मोहल्ले में रहने वाली आम सभा को, मोहल्ले में रहने वाले लोगों की सभा को मोहल्ला सभा बोला जाएगा। ग्राम सभा मोहल्ला सभा की हर महीने मीटिंग हो, हर ग्राम सभा मोहल्ला सभा का अपना छोटा सा सेक्रेटेरिएट होगा। सरकार उनको अनटाइड फंड्स देगी, जनता अपने मोहल्ले में मीटिंग करके, अपने गांव में मीटिंग करके ये तय करेगी कि उस पैसे को वो कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस गांव में आने वाले स्कूल, उस मोहल्ले में आने वाले स्कूल, उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। इसका मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और स्कूलों को सीधा ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। अगर कोई राशन वाला राशन नहीं देता है ठीक से, तो ग्राम सभा मिलके, क्योंकि उसी ग्राम सभा के लोग वहाँ से राशन लेते हैं, उसी तो ग्राम सभा में लोग मिलके उस राशन वाले की दुकान कैंसिल कर सकते हैं और नया राशन वाला अपॉइंट कर सकते हैं। उस इलाके के अंदर सड़कें बनानी है कि पार्क बनाने हैं कि बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीज़ें ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के अंडर में आएंगी। तो लोगों को अनटाइड फंड मिलेगा, लोग अपने इलाके में मीटिंग करके तय करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। वो वोटिंग करके तय कर सकते हैं, मान लीजिए 10 आइटम आए तो वोटिंग करके तय कर सकते हैं, पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है। जिसकी ज़्यादा वोट पड़ेंगी वो काम पहले हो सकता है, जिसकी कम वोट पड़ेंगी वो काम बाद में हो सकता है। इस तरह से लोग इन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो सीधे ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के प्रति जवाबदेह होंगे। किसी भी उस इलाके में काम, किसी भी ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक ग्राम सभा या मोहल्ला सभा ना कह दे कि काम ठीक हो गया। जितनी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एट्सेट्रा, कास्ट सर्टिफिकेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, करीब 20-21 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो उसी ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के सेक्रेटेरिएट से मिलेंगे। ग्राम सभा की मीटिंग में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पर तुरंत सर्टिफिकेट्स जारी किए जा सकते हैं, तो इसके अंदर सारा भ्रष्टाचार कम होगा। और एक बारी जब ग्राम सभाएं और मोहल्ला सभाएं ठीक से काम करने लग जाएंगी, तो साल दो साल के बाद धीरे धीरे कुछ आइटम्स लिस्ट बनाई जाएगी कि उनको, उन आइटम्स पे कानून प्रस्तुत करने के पहले विधानसभा या संसद में ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं की कंसल्टेशन की जाएगी, उनके विचार विमर्श लिए जाएंगे, सरकार उनके विचार विमर्श लेगी। इसके बाद किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, और आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा उठता जा रहा है, तो नागरिकों को सुरक्षा देना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, द फैक्ट कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर धरने पे बैठा, यही दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की नज़रों में
महिलाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा कितना महत्व रखती है। इसके लिए हम पुलिस रिफॉर्म्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स बताए हैं, उसको लागू करेंगे। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग विंग्स बनाए जाएंगे पुलिस में। पुलिस की जिम्मेदारी, जवाबदेही किस तरह से, कितनी हद तक जनता के प्रति सीधे हो सकती है, ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं के प्रति हो सकती है, इसके ऊपर खाका तैयार किया जाएगा। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने के तरीके निकालने पड़ेंगे। दिल्ली में, दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आए, लुटियन जोन छोड़ के। इसके बाद थानों के अंदर CCTV लगाए जाएंगे, थानों के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे जो जो पब्लिक डीलिंग एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पे FIR दर्ज नहीं की जाती है, और जो इंटेरोगेशन रूम्स हैं उसके अंदर कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ले सकता है। पुलिस में स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जब हम दिल्ली सरकार में थे, दिल्ली सरकार का एक सिपाही शराब माफिया के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया, शराब माफिया ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली सरकार पहली सरकार थी जिसने अपने एक सिपाही की इतनी कद्र की, उसको सम्मान दिया और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। इसी तरह से ईमानदार लोगों को सम्मान दिया जाएगा, उनको प्रमोशंस दिए जाएंगे, लेकिन बेईमानी करने वालों को सज़ा दी जाएगी। FIR दर्ज ना करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा, और पुलिस कर्मियों को उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दूसरी किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि एक एफिशिएंट और क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम देना, न्याय व्यवस्था, अच्छी न्याय व्यवस्था देना। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से क्रम्बल हो चुकी है। तो फास्ट, एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम, ये हमारे लिए, इसके प्रति आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। आज एक एक केस को 20-20 साल 30-30 साल हो जाते हैं, कई बार तो जो पार्टियां हैं उनकी डेथ हो जाती है बीच में और केस चलते रहते हैं। तो इतने कोर्ट्स और जजेस बनाए जाएंगे, कम से कम अगले 5 साल में इनकी संख्या दुगनी की जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी इतने कोर्ट्स और जजेस नियुक्त किए जाएं कि केसेस का निपटारा किसी भी तरह से टाइम बाउंड तरीके से किया जा सके। कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को कैमरा, हर कोर्ट में कैमरा नियुक्त किया जाएगा ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जा सके और कोई भी उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ले सके। कुछ सुझाव ऐसे मैं बोल रहा हूँ जो कि मैनिफेस्टो में गलती से प्रिंट होने रह गए, ये कैमरा वाला भी उसमें गलती से प्रिंट होना रह गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आज न्याय व्यवस्था, हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पे गर्व है, न्याय व्यवस्था हमारे देश की एक तरह एक पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर भी भ्रष्टाचार क्रीप इन कर चुका है, उसे भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है। तो जुडिशरी के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जजेस की अपॉइंटमेंट आज कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से और विम्जिकल तरीके से होती है, उसके लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त किया जाएगा। और जितने प्रोसीजर्स हैं, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनको रिविजिट किया जाएगा ताकि प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके।